सो कल का दिन शुरू हो रहा है, कुछ ऐसा मैप बनाया हुआ है। सुबह सुबह निकलेंगे हैमिल्टन से, गुजरते हुए जाएंगे नायग्रा फॉल्स, नायग्रा फॉल्स से जाते जाते हम लोग जाएंगे अभी देखो फ्राइडे है, उसकी एक्साइटमेंट है। राइड शुरू हो रही है मेरी एक दिन में, मतलब कल, उसकी एक्साइटमेंट है। या जो मैंने आज बैक और बाइसेप मारा है और जो पंप आया है उसकी एक्साइटमेंट है। आई एम नॉट श्योर कौन सी एक्साइटमेंट है, लेकिन तीनों एक्साइटमेंट को क्लब कर दूं मैं अगर, तो वैसा कुछ मूड बना हुआ है आज। व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। कल जो सेकंड ने मेरा राइडिंग गियर का इशू सॉल्व किया है, उसके बाद से मेरे को इतना ज्यादा टेंशन फ्री लग रहा है, इतना अच्छा अच्छा लग रहा है, और जो एक्साइटमेंट है वो खुल के बाहर आ रही है। बिकॉज जब टेंशन नहीं होता है आपको, तब आप बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हो और आप अपने जो मोमेंट है उसको ज्यादा इंजॉय करते हो। तो मेरे साथ भी कुछ वैसा ही चल रहा है। एंड आज काम बहुत ज्यादा पड़े हुए हैं मेरे, नॉट ऑफिस के, मतलब ये राइड के प्रिपरेशन के लिए, बिकॉज कल सुबह निकलना है मेरे को। एंड लास्ट एक मेरे को ना मेरे अपने फ्रेंड के साथ कनेक्ट भी करना है, मैं उनके साथ बातें भी कर लूँ कि भाई कल कितने बजे मिलना है, क्या प्लान है, कहाँ मिलना है, कहाँ पे यू नो मीटिंग पॉइंट है, वो सारा डिस्कशन होने वाला है आज। जैसे वो सारा डिस्कशन होता है तो मैं आपके साथ भी शेयर करूंगा, बिकॉज आई एम श्योर आप लोग को भी इंटरेस्ट आ रहा है धीरे धीरे मेरे राइड में, है कि नहीं। अभी तीर्थ ने ना यहाँ पर ये खाया है बनाना, और इसको क्या बोलते हैं, चलिए बब्बा, बब्बा बोलते हैं ना बब्बा। और मैं आजकल को वही बता रहा था कि मेरे को ना आजकल करेक्ट करने का ट्राई करती हूँ, तो करेक्ट मत करो, ये जो एज है ना बच्चे जो बोलते हैं ना बहुत प्यारा बोलते हैं। और उस पर ही आंचल ने बोला हाँ क्या चाहिए बब्बो, देखा मैंने बताया ना वो बोलता है बब्बो, उसको बोलता है बनाना को। आज फॉर्चुनेटली बनाना खा के जा रहा था, विच इज अ गुड थिंग। कहाँ गया था बनाना उसका बुरा, फॉर्चुनेटली बनाना खा के जा रहा था, दैट्स अ गुड थिंग। बिकॉज हम लोग को बहुत बुरा लगता है कि वो खाली पेट जाता है काफी दिन, पता नहीं क्यों सुबह सुबह उसको उठ के नाश्ता करने का मन ही नहीं करता है। और जैसे मैं बता रहा था ये भी हाँ बिना कुछ खाई जाती है। गुड मॉर्निंग टूटू, कितनी क्यूट लग रही है यार आज, हाय कितनी बड़ी हो गई है। और मैं वही बता रहा था जब हम लोग इस बारे में बात कर रहे थे, ये बब्बा बोलता है तो आंचल बोलती है, तुमने क्या बताया कि टूटू क्या करती थी, टूटू रैबिट को बैडिट बोलती थी। हाँ एंड आई वुड करेक्ट हर कि इट्स नॉट बैडिट इट्स रैबिट। हाँ तो उनका विल कि नहीं उसको करेक्ट मत करो, उसको बैडिट ही बोलने दो। ऐसे एक हाथ में काफी सारे वर्ड्स थे जो उसको मैं कॉन्स्टेंटली जल्दी करेक्ट करना है। अभी भी एक वर्ड वो गलत बोलती है, कर अभी भी वो बिरयानी बराबर नहीं बोलती। क्या बोलती टूटू आप, क्या बोलते हो, बिरयानी क्या, बिरयानी बिनरानी कुछ तो, बिन रानी ऐसे कुछ तो बोलती है। मैं बोलता हूँ बस वो जो बोल रही है करेक्ट बोल रही है, बिकॉज़ देखो यार यही मासूमियत है, यही तो बच्चों का मतलब जो वो होता है ना, वो एक वो छोटे छोटे बच्चे प्यारा प्यारा तुतला के बोलना, मेरे को वो बहुत पसंद है। और मैं जो भी कर रहे हैं मतलब मुझे बड़ा प्यारा लगता है, जो गलत बोलते हैं ना बच्चे वो बहुत क्यूट लगता है। और आज भाई बहुत भारी मैंने बाइसेप मारा है इसीलिए, अच्छा दिखने लग गए क्या, ओहो बताओ यार क्या कॉम्प्लीमेंट मिला है, वाह वाह। आपको दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं, अगर दिख रहे हैं तो बताओ यार कमेंट में लिखो जरा कुछ बराबर ना तो जैसे मैं बोल रहा था यार यही तो मासूमियत होती है जो मैं नहीं चाहता हूँ कि बच्चों की जाए, और इसलिए मैं करेक्ट नहीं करता हूँ। एंड दिस इज द बेस्ट फेज, मैं हमेशा बोलता हूँ आंचल को 2 ईयर से लेके 3-3.5 साल तक ब्यूटिफुल फेज, एब्सोल्युटली ब्यूटिफुल फेज, एंजॉय करो इस फेज को। आई थिंक आई एम गुड, आई डोंट हैव एनीथिंग एल्स नाउ, परफेक्ट। Sounds good. Yeah, it's 4:47 on a Friday evening and we are on a call. I will let you go. And yeah, you have a great weekend then. All right, you too. Thank you very much. Bye. अरे भाई साहब मतलब ऐसा क्या हाल हुआ है, मतलब ये देखो मैं दिखाता हूँ आपको, 4:40, 4:50 4:50 तक मैं कॉल्स पे लगा हुआ हूँ। आज जब मेरे को मैंने आपको बताया सुबह में कि मेरे को इतने सारे काम करने हैं, बैक टू बैक मीटिंग्स ही चल रही है, मतलब बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला कुछ भी करने का। तो अभी मैं शुरू करूंगा सारे काम करना, इतना काम था ऑफिस का, मतलब लिटरली मैंने लंच भी जो है ना खाना खाते खाते मतलब कॉल लेते लेते मैंने खाना खाया है, मतलब इतना बुरा हाल था, तो मैं बिल्कुल उठ ही नहीं पाया था बीच में, बट आई थिंक इट्स ओके। अभी एक्साइटमेंट जो है वो अभी भी बहुत हाई है, फाइनली दिन हुआ खत्म फ्राइडे का, अब जाके सारे काम करेंगे अपने, और अपनी बैग वैग बनानी है, अपना रेडी करना है सारा सामान क्योंकि कल सुबह निकलना है। लेट्स गेट दैट गोइंग। सबसे पहला काम जो शुरू करना है वो है अपनी GoPro की बैटरीज को चार्जिंग पे लगा देना, तो इसको मैंने ये यहाँ पर लगा दिया है।
ताकि ये चार्जिंग हो जाए, बिकॉज जैसे आपको पता है कि यार GoPro अगर नहीं होगा तो कुछ रिकॉर्डिंग नहीं होगी, तो ये मैंने लगा दी है यहाँ पे GoPro की बैटरी चार्ज होने के लिए। एंड दूसरा ये जो GoPro मैं साइकिल से लेके आया था उसको भी चार्जिंग पे लगाना है, तो उसको मैं यहाँ लगा दूंगा। एंड आई थिंक द बेस्ट थिंग अबाउट दिस GoPro का कि इसको बैटरी निकालने की जरूरत नहीं पड़ती है, ये ऐसे ही चार्ज हो जाता है, विच आई थिंक इट्स प्रीटी गुड। सो ये रहा चार्जिंग होना हो गया शुरू। तीसरा और मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम है वो है अपना कार्डो को चार्जिंग पे लगाना है, क्योंकि अगर कार्डो कनेक्टेड नहीं रहेगा तो आपस में बात कैसे करेंगे। ये लगा दिया यहाँ पे एंड ये हो गया चार्जिंग स्टार्ट। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पावर बैंक, क्योंकि ये कनेक्टेड रहेगा GoPro में तो पूरा राइड रिकॉर्ड कर पाऊंगा। तो सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जो है वो सारे मैंने चार्जिंग पर लगा दिए हैं, सो आई एम गुड विद दैट। एंड उसके बाद मैंने सेकंड स्टेप जो किया है वो किया है मैंने मेरे कपड़े निकाल दिए हैं। जैसे आपको पता है कि मैं 2 दिन की ट्रिप पे जा रहा हूँ, 1 night and 2 days, तो मेरे को एक्स्ट्रा कपड़े लगेंगे। सो यहाँ पर मैंने रखे हुए कपड़े, टोपी वगैरह सब जो चीज़ें हैं, एंड ये जो कल मेरे को लगेंगी बाइक के लिए, जैसे जैकेट हो गया, ग्लव्स हो गया, पैंट हो गया, वो सारी चीज़ें मैंने इस तरफ रखी हुई है। सो अब लेकिन इसको हम लोग पैक कैसे करें, उसके लिए मेरे पास 2 options हैं। ये है option 1 और ये है option 2। मैं बता रहा हूँ मतलब ऑलमोस्ट 1 साल के ऊपर हो गया कि मैंने ये दोनों बैग्स मंगा के रखी हुई थी, और मैं वेट कर रहा था कि एक दिन आएगा आंचल कन्विंस हो जाएगी कि मेरे को ओवरनाइट राइड पे जाने देगी, एंड फाइनली वो दिन आ गया है। तो अब मैं कंफ्यूज हूँ इन दोनों में से कौन सा बैग लेके जाऊँ, तुम क्या बोलते हो आंचल? ये थोड़ा छोटा है, ये बड़ा है, काफी सामान अगर उतने में आ जाता है तो फिर, बट तुम अगर फिर कैरिंग स्लिपर्स एंड ऑल देन तो बड़ा बैग बेटर होगा ना, क्योंकि इसमें ना काफी कुछ आ जाएगा, थोड़ा रूम रहेगा, यू कैन कैरी वन एक्स्ट्रा बॉटल आल्सो। राइट, हां आई एग्री, इसमें काफी जगह आ जाएगा, इसका कवर भी है अगर बारिश वगैरह होगी तो। एंड इसको जो है मैं बैकपैक की तरह भी कैरी कर सकता हूँ, एंड एट द सेम टाइम मैं पीछे सीट पे माउंट भी कर सकता हूँ, तो आई थिंक ये ज्यादा बेटर पड़ेगा। इसमें कपड़े डाल के देखूं, आई वुड से हां वही बेटर रहेगा, है ना? तुमने क्या बोला था, पानी की बोतल, और मैंने क्या बोला था, छोटा वाला बैग, ये देखो सामान गिरने लग गया है इसमें से, इतना ज्यादा भर गया है। तुमको पहले ही कहा था वो छोटा बैग में नहीं आएगा। अरे मैं बहुत होपफुल था, मुझे लगा था कि आ जाएगा ये बैग में, यार आ गया है, आ गया है, बट लेकिन थोड़ा दबा दबा के आया है, इसमें पानी की बोतल तो नहीं आएगी। तो इसका मतलब है तुम सिर्फ डे ट्रिप अच्छी कर सकते हो, सिर्फ एक दिन की। तुम डे ट्रिप करो, तुम ओवरनाइट वाली ट्रिप आगे से मत लगा। नहीं नहीं, ओवरनाइट एक रात की कर सकता हूँ ना, एक रात इज गुड। तो ये मैंने लगा दिया है, ये दोनों तरफ से है, एंड इसके ऊपर बैग डाल दूंगा मैं, ऐसा ना, नहीं ऐसा, ये बैग ऐसा, एंड ये बिल्कुल इजीली क्लिप हो जाएगा यहाँ पे, बस थोड़ा टाइट कर दो। हाँ उसको टाइट करूंगा मैं, ये यहाँ और ये यहाँ, ये हो गया टाइट, दूसरी तरफ से भी ये ऐसे वाला ही। भी हाँ ये भी कर देता हूँ, नहीं ये पीछे का भी टाइट कर। ऐसे कहीं लंबे टूर्स पे जाना रहता है ना, तो उसके लिए ये मोटरसाइकिल एक्चुअली बनी नहीं है, उसके लिए वो जो BMW वाली और वो सो रहती है ना, जिसमें वो एडवेंचर बाइक्स, जिसमें वो पायनियर्स सब आते हैं, वो बेस्ट होती है, वो लगती एकदम मस्त है। तुमको अच्छी लगती है, मेरे को नहीं अच्छी लगती इतनी, एक बार चलाओगे आई लव अ सुपर स्पोर्ट एनी गिवन डे। ये मैंने दिया, सो अब ये कहीं कहीं गिरेगा नहीं, ये क्या कर दिया मतलब, क्या किया है गाड़ी को, क्या कर दिया है? अरे नहीं यार, मेरे को ऐसा लगने लगा कि बहुत ज्यादा गर्म हो गया है, और फिर मैं राइड करूंगा कल, हेलमेट पहनूंगा तो बहुत ज्यादा गर्म होएगा, तो इसलिए मैंने दाढ़ी निकाल दी। ऐसा मैं चाहता तो मैं बोल सकता था स्टाइल मारने के लिए, बट ऐसा नहीं, गलती हो गई, मैं ना शेप करने बैठा था, दाढ़ी शेप करने बैठा था, इसको मेरे पे बहुत ज्यादा प्यार आ रहा है तीर्थ को अभी, सो मैं दाढ़ी शेप करने बैठा था बराबर से, ठीक है, एंड गलती से वो मैं जो ट्रिमर रहता है वो मैं ऐसे ऐसे करके चला रहा था, ठीक है, गलती से पता नहीं क्या हुआ वो ऐसा पूरा चल गया, एंड यहाँ से जो था ना यहाँ से पूरा खाली हो गया, अब वो खाली हो गया तो आई हैड टू डू दिस। सो बड़ा अजीब लग रहा हूँ, मुझे खुद को फील हो रहा है अजीब, बट क्या करूँ मैं, खाली खाली बट कितना एकदम अलग अलग सा लग रहा हूँ मैं, मतलब अच्छा अच्छा नहीं लग रहा हूँ, ऐसा लग रहा है पता नहीं, ऐसा लग रहा है कि पता नहीं क्या उतर गया मेरे चेहरे से, वो थोड़ा थोड़ा बहुत ज्यादा अलग लग रहा है, मेरे को खुद को अजीब लग रहा है, मैं खुद को अपने अपने आप को 10 बार आईने में देख चुका हूँ, मैं बोल रहा हूँ पता नहीं क्या हो गया है, ये क्या बड़ा पंगा कर दिया मैंने यार, राइट तुम, मैं वही बोल रहा हूँ कि अगर अगर तुम्हारा मन नहीं था कि मैं राइड पे जाऊँ तो तुम मेरे को बोल देते थे ना सीधा सीधा, तुमने ये ऐसा क्या, ये क्या कर दिया तुमने मेरे साथ, मैंने किया और क्या, तुमने मन में प्रे किया रहेगा हाय भगवान प्लीज इसके साथ कुछ ऐसा हो जाए ताकि कल राइड पे नहीं जा पाए, नहीं अभी भी जाऊंगा लेकिन, बट ये क्या है यार, एनीवेज यार ये तो अभी हो गया यार, अभी क्या कर सकते, गलती हो गई, बट कोई बात नहीं,
दो चार हफ्ते में फिर से दाढ़ी आ जाएगी, ये तो अपने घर की खेती है तो फिर से ग्रो कर लेंगे यार, कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट ठीक है थोड़े टाइम के लिए ये लुक भी रख लेंगे, कोई बात नहीं। कम डाउन, सी व्हाट पापा हैज डन। आ जाओ आ जाओ। हाउ इज इट? डू यू नोटिस एनी चेंज इन मी? यस। व्हाट? व्हाट? सी नाउ यू कैन गिव मी, नाउ यू कैन गिव मी अ किस वेरी वेरी इजीली, वेरी इजीली। ये भी डर गई। फुल्ली नहीं है भाई, ये यही गलती से हो गया, ये इतना गंदा लग रहा है, आप बोल रहे हो फुल्ली कट, पागल हो गया होगा, फुल्ली करूंगा मैं इसको। क्यों, बच्चे की बात नहीं मानूंगा? नहीं नहीं मानूंगा, ये मामले में नहीं मानूंगा बच्चे की बात, ऐसा थोड़ी है यार, बच्चे की बात मानने के लिए पूरा शेव कर लूं मैं। ओ गॉड, अब मुझे बताओ हाउ आर यू फीलिंग? सारे काम हो गए मेरे डन, बैग्स पैक्ड, मेरा कपड़े सारे निकल चुके कल सुबह के लिए, सारा सामान पैक हो चुका है, हाउ आर यू फीलिंग? वो तो मुझे दिख ही रहा है, तुम्हारी नजर लग गई है मेरे को। बट इट्स ओके, आई एम ओके, आई डोंट हैव एनीथिंग टू से, लाइक ऑफ कोर्स आई लुक फॉरवर्ड टू द वीकेंड, बट इस बार आई एम नॉट लुकिंग फॉरवर्ड टू द वीकेंड, क्योंकि इतना कुछ मतलब देयर इज नथिंग, ऑल्दो ऐसा नहीं है कि हमेशा कुछ हम प्लान करके होता है हमारा, बट साथ होते हैं, फैमिली टाइम होता है, तो दैट वी मिस दैट। This is going to be the first time जब मैं जा रहा हूँ अकेला और तुम रात को अकेले रहोगे ना, first time ever, इसके पहले कभी नहीं हुआ है। मतलब after kids, after यहाँ पे कैनेडा आने का, मैं कहाँ तुम अकेले रहोगे? हाँ कैनेडा आने। मैं कभी गया ही नहीं हूँ ऐसे। हाँ वैसे तो first time ही जा रही शादी के बाद, बट हाँ इन बच्चों के पहले एक बार गए थे जब गोवा गया था मैं। हाँ। एक बार, हाँ वो एक ही बार गया था, बच्चों के बाद तो ऑफकोर्स ही नहीं गया हूँ, टू टू सात साल की हो गई तब से नहीं गया। अलग लग रहा है, मतलब इट्स लाइक कुछ मिस होने वाले हैं, मिस होने वाला है, बट आई नो इट्स योर पैशन, तो आई वॉन्ट टू लेट यू गो हैप्पीली दिस टाइम, इसलिए जी ले अपनी जिंदगी। थैंक यू। लेकिन मैं भी बहुत मिस करने वाला हूँ तुम लोग को, ऑफकोर्स एक ही दिन की बात है, बट देन ऑफकोर्स मैं मिस तो करूंगा, मुझे पता है ये बात तो पक्की बात है। मेरा अगर ऑफिस ना हो ना, जैसे सैटरडे संडे के दिन पे ऑफिस नहीं होता है, आई लव, मतलब इन लोग का चिल्लम चिल्ली मेरे को अच्छी लगती है, रादर हाँ ऑफिस के दिन पे टेंशन रहता है तो आई डोंट फील लाइक कि बच्चे लोग चिल्लम चिल्ली मत करो, काम करने दो। कल तो तुम वैसे मतलब इनसे फ्री हो, बट मैं वही बोल रही हूँ कल अपना राइड एंजॉय करो विद योर ग्रुप एंड हैव फन, इवनिंग एंजॉय करना, और आई सी यू ऑन संडे। हाँ संडे भी आता है तो शाम हो जाएगा। हाँ, चलो जो भी, बट चलो ठीक है कोई नहीं, मैं बताता हूँ आप लोग को अभी प्लान क्या है। सो कल का दिन शुरू हो रहा है, कुछ ऐसा मैप बनाया हुआ है, सुबह सुबह निकलेंगे हैमिल्टन से, गुजरते हुए जाएंगे नायग्रा फॉल्स, नायग्रा फॉल्स से जाते जाते हम लोग जाएंगे बफलो, मतलब यूएस एंटर करेंगे, एंड देन उसके बाद पहुंचेंगे हम लोग यहाँ पर माउंट मॉरिस, माउंट मॉरिस से नीचे उतरते थोड़ा जाएंगे तो आएगा लेचवर्ड स्टेट पार्क, ये रहा लेचवर्ड स्टेट पार्क, एंड यहाँ से राइड करते 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 हम लोग पहुंचेंगे टोटल, यहाँ जाके आएगा एलमीरा। सो ये हमारा पहले दिन का डेस्टिनेशन, टोटल ड्यूरेशन है 6 hours 50 minutes विद 9 stops। सो यस हम लोग जा रहे हैं यूएसए, और इस बार मैं जा रहा हूँ अकेला यूएसए, आंचल नहीं चलेगी मेरे साथ ऑफकोर्स, क्योंकि मैं मोटरसाइकिल पे जा रहा हूँ। अभी तक जो कन्फर्म है मैं हूँ और दो राइडर्स और हैं, बाकी मुझे पता नहीं और कौन कौन आ रहा है, मेरी भी बात होना बाकी है बाकी लोगों के साथ, सो उनसे कनेक्ट करके मैं समझूंगा कि भैया क्या बना है कल का प्लान, कौन कौन आ रहा है कौन कौन नहीं आ रहा है सारी चीजें। मेरे घर के पास यहीं पर ही एक टिम हॉर्टन्स है तो वहां पर हम लोग मिलेंगे, क्योंकि मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं वो लोग आ रहे हैं टोरंटो से, एंड क्योंकि जाना है हम लोगों को यूएसए और जाना है हम लोगों को नायग्रा के साइड से, सो ऑफकोर्स उनको यहीं से गुजर के जाना पड़ेगा, तो कल मेरे को आराम से निकलना है। वो लोग स्टार्ट कर रहे हैं सुबह 7 बजे, मैं शुरू करूंगा 8 बजे के आसपास, मैं शायद उन लोगों को मिलूंगा। सो या आई थिंक दैट्स द प्लान, बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं मैं और बहुत ज्यादा मिस भी करने वाला हूं बच्चों को ऑफकोर्स, क्योंकि यार मैं पहली बार जा रहा हूं, जैसे आंचल ने बताया और मैं जैसे मैं और आंचल बात कर रहे थे, फर्स्ट टाइम जा रहा हूं मैं अकेला इन लोगों को छोड़ के, सो ऑफकोर्स आई एम फीलिंग अ लिटिल बैड एज वेल, बट आई एम श्योर आई एम गोना एंजॉय द राइड। पार्टी टाइम, पार्टी टाइम। तो हमने सोचा कि चलो यार आज पार्टी वार्टी की जाए, बिकॉज कल सुबह मैं जा रहा हूँ जैसे पता है, और आंचल अकेली रहेगी वीकेंड पे, तो मैंने सोचा नहीं यार जाने से पहले एक बार साथ में वीकेंड वाली पार्टी करना बनता है, क्योंकि नहीं तो उसको बेचारी को ऐसा लगेगा कि यार वीकेंड वीकेंड अकेला निकला है उसको, तो इसीलिए हमने की पार्टी छोटी सी। और वैसे यहाँ पर हम लोग को कभी भी वेज बर्गर मिलता ही था, वेज बर्गर के नाम पे हमको मिलता था सोयाबीन की पैटी मिलती थी, ना आलू की ना पनीर की। तो अभी A&W ने नया शुरू किया है कि वो लोग किस किसके साथ टाइप किया उन्होंने, नानक के साथ, नानक करके जो एक ब्रांड है उसके साथ टाइप किया है उन लोगों ने, तो वो लोग पनीर पैटी बनाते हैं और जो बहुत ही टेस्टी, मैंने रिव्यूज तो बहुत अच्छे सुने,
आज हम लोग ट्राई करने वाले हैं, इसीलिए हमने वो ऑर्डर किया है। सो या आई थिंक हम लोग अभी करेंगे पार्टी, करेंगे इंजॉय। टाइम हुआ रहेगा मेरे ख्याल से अभी 8:30, बस अभी दिन को यही कर देंगे खत्म, बिकॉज जल्दी सोना है, सुबह जल्दी उठना है, मुझे राइड करना है पूरा दिन। सो इस वीडियो को यही कर देंगे एंड आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज इसे लाइक जरूर कर देना, इसको शेयर करिए आप अपने किसी भी एक फ्रेंड के साथ या फैमिली मेंबर के साथ, कमेंट करिए अगर कुछ आपको पसंद आया है, नहीं पसंद आया है, कुछ क्वेश्चन है तो कमेंट करिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और हम मिलेंगे आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए प्लीज टेक केयर एंड स्टे सेफ, स्टे फेस।